वसुधरा अधिकरण में सिद्धांत भाष्य हो गया था, टीका चल रही थी। टीका में पूर्वक्ष की ओर से ये कहा गया कि अर्थित्व और सामर्थ्य दोनों सिद्ध होने से उपनयनादि शास्त्र के अभाव में भी ब्रह्म विद्या में चतुर्थ वर्ण को भी अधिकार सिद्ध होता है। उपनयनादि शास्त्र वेदाध्ययन के लिए है, वेदाध्ययन नहीं कर सकता है तो कैसे ज्ञान होगा, इस समस्या का समाधान करते हुए पूर्व ने ये तर्क दिया कि लिखित पाठादि से अर्थ ज्ञान हो जाता है। अर्थ ज्ञान होने से वो दृष्ट प्रयोजन हो गया, अध्ययन का जो दृष्ट प्रयोजन है अर्थ ज्ञान वो हो जाता है तो आगे अधिकृत अधिकारी बनकर प्रवृत्त हो सकता है। तो लिखित पाठ आदि करने के लिए, पुस्तक लेकर के पढ़ने के लिए वेदाध्ययन विधि का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है और उसका कहीं निषेध भी नहीं आया है, इसलिए वो हो सकता है, ये तर्क दिया है। ननु लिखित पाठादिना प्राप्त स्वाध्यायात् अर्थदी योगाद् अस्ति तस्य वैदिकवद् सामर्थ्यम्। वैदिक सामर्थ्य भी इस प्रकार से सिद्ध हो सकता है कि लिखित पाठादि के द्वारा स्वाध्याय अर्थ का ज्ञान होने से उसके द्वारा आगे प्रवृत्त हो सकता है और उसमें कोई निषेध है ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि निषिद्ध का आचरण करने से पाप होता है, पाप का ये नियम है। आपके लिए जो विहित है उसका आचरण करे तो पुण्य होता है, निषिद्ध का आचरण कोई भी करता है तो पाप होता है। यहाँ पाप होना, पाप होने की आशंका भी नहीं है। तो निषिद्ध अध्ययन दुर्गत उदय भयात न प्रवर्तते ऐसा भी नहीं, क्योंकि निषित पाठादि जनित विद्या निर्वाण निषिद्ध का आचरण नहीं होता है, क्योंकि लिखित पाठ को पुस्तक पढ़ने के लिए कहीं भी निषेध नहीं है। निषेध नहीं है तो पुस्तक रूप से पढ़ सकता है, गुरुकुल में जाकर के वेदाध्ययन नहीं करने पर भी अन्यत्र पुस्तक आदि से उसको प्राप्त करके उससे विद्या का संपादन कर सकता है। ये कहा सत्रह, इसके उत्तर में भाष्यकार ने कहा शास्त्रीयस्य च सामर्थ्यस्य अध्ययन निराकरणेन निराकृतत्व। ये अध्ययन का निराकरण अर्थात ये सिद्ध करता है, अध्ययन विधि से प्राप्त जो ज्ञान है उसी को ही वेदाध्ययन माना गया है, अन्य प्रकार से प्राप्त ज्ञान को वेदाध्ययन नहीं माना गया। ये पूर्व मीमांसा में भी पहले आपको समझा चुका हूं, इसमें स्वाध्यायोध्येतव्य एक विधि है। स्वाध्याय का अध्ययन करने के लिए कहा, किसी प्रकार भी एन केन प्रकार अध्ययन करने का अर्थ में नहीं है। लिखित पाठ आदि से या अन्य प्रकार से सीढ़ी आदि सुन करके अध्ययन करेंगे ऐसा अर्थ इसका नहीं, इसका अर्थ है एक विधान है वो विधिवत उसको करना पड़ता है। कोई भी विधान होगा उसके लिए विधि है तो विधि का अनुसरण करना होगा। जैसे सामान्य में भोजन आदि करने के लिए भी विधान, भोजन को भोग लगने से आप यथेष्ट भोजन करते हैं, स्वादिष्ट भोजन बना करके करते हैं, जब चाहे वह तब भोजन करते हैं, वो भोजन तो कर रहा है वो विधि के अंतर्गत नहीं होता। इसलिए भोजन से जो आध्यात्मिक फल होना है, शास्त्र जिस फल को कहता है वो भोजन विधि से भोजन करने से होगा, अन्यथा भूख मिल जाएगी उसका दृष्ट फल होगा और उससे शरीर की पुष्टि होगी, ये सब होगा, लेकिन उससे जो
आध्यात्मिक ज्ञान का प्रयोजन होना है या भोजन करने से ही अंतःकरण शुद्धि है वो नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भोजन विधि वहाँ विशेष है, जैसे आश्रमों में सब जगह है, पहले भोजन करने की विधि बच्चों में सिखाए जाते थे घरों में ही, आजकल तो वो सब नहीं है तो वो फल नहीं होता। तो भोजन विधि भी एक विधान है, उसके अनुसार करने से उसका फल। यहाँ भी ऐसा ही है कि स्वाध्याय करना मतलब वेद पढ़ लेना या अन्य प्रकार से पढ़ना का हमें नहीं है। तो ये यहाँ जिस स्वाध्याय को पूर्वकृत साधन के रूप में मान लिया है वो स्वाध्याय स्वाध्याय विधि विहित स्वाध्याय। ये भाष्यकार ने कहा कि शास्त्रीय सामर्थ्य जो है वो अध्ययन विधि के अंतर्गत आने से स्वाध्ययन विधि का निराकरण होने से निराकृत। आजकल वेदों के विषय में बहुत सारी पुस्तकें छपी हुई है, पुस्तक के रूप में है, जैसे अन्य प्रकार का अन्य अन्य रूप में भी प्राप्त होते हैं, तो वो सब आप ले सकते पढ़ सकते, इसके लिए कोई मना ही नहीं है या ऐसा कोई निषिद्ध कर्म माना नहीं है उसको, और उसको लेकर के कोई दंड भी विधान नहीं है, ऐसे वेद को पढ़ने से आपको दंड मिलेगा ऐसा भी नहीं है, एक अलग विषय है, उस विषय में दंड निधि का भी कोई काम। इसलिए लोग अपने मनमानी पुस्तक छपाते हैं जैसा उनको लगे, क्योंकि वेद सुनने से कोई भी सामान्य जो भारतीय संस्कार वाले कोई भी वेद को सुनने से आदर से उसको लेने के लिए खरीदने के लिए ला करके घर में रखने की इच्छा करता है, क्योंकि बहुत सम्माननीय ग्रंथ है। इसको माध्यम बना करके मनुष्य के आड़ में ये सारे उसको छपाते रहते हैं, छपा करके लोग उन प्रचार करते हैं, लोग उसको लेकर के पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में जैसे वेद वेदता पंडित बात करते हैं इसी प्रकार बातें भी करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, सब कुछ करते, वो सब ठीक है। आप जानकारी लेने में कोई भी ग्रंथ पढ़ करके आप जानकारी ले सकते हैं, जानकार हो जाएंगे, लेकिन उसके विहित कर्मों का अनुष्ठान करने योग्य नहीं हो, आप ऐसे प्रामाणिक नहीं हो। जैसे विदेशियों ने, बहुत सारे विदेशियों ने वेदों पर व्याख्या ली, हम वो वेदों की व्याख्या की निंदा नहीं कर रहे, वेदों की व्याख्या लिखी उनकी अपनी निधि थी, उनको कुछ विशेष अधिकार मतलब कुछ प्राप्त हो रहा था उन्होंने लिख दिया, जिसको भी चाहे लिख सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा कि यदि अमुक अमुक व्यक्ति ही वेद को स्पर्श करे दूसरा वेद को स्पर्श करने से उसको दंड करके मार देंगे, ऐसा तो है ही नहीं, तो आप कर सकते विदेशी ने भी किया। अब अंग्रेजी भाषा में होने से लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे, उसका बहुत बड़ा प्रचार भी हो गया, तो वो जो व्यक्ति जिन्होंने भी लिखे है उनका भी बड़ा नाम हो गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन उसको वेद की व्याख्या हम नहीं मानते, और वो उनको उसको पढ़ करके वेद का अर्थ समझ करके आप प्रयोग भी नहीं कर सकते। कारण ये है कि वेद अध्ययन विधि से वेद अध्ययन करके उन्होंने लिखा नहीं है, वो खाली पढ़ने के लिए कर सकते, और हमारे यहाँ के भी बहुत लोगों ने उसको प्रचार में लाए, उन्होंने बहुत उनकी स्तुति की, ऐसा किया वैसा किया, वो वेद को ऊपर दूसरे बड़े बड़े लिखे हैं, ऐसा ऐसा बहुत बड़े वो यूरो संबंध है, लेकिन कुछ आधार नहीं है, निराधार है। निराधार इस प्रकार से है कि वहाँ संस्कार का अंतर है, कल्चरल डिफरेंस है, जो यहाँ से जिस बात को हम समझ सकते हैं, जिस प्रकार समझ सकते हैं, वैसा वो समझ ही नहीं सकते, और जिन्होंने भी लिखा उनका ये पूर्व वृत्त क्या है कुछ पता नहीं, उन्होंने कहाँ से संस्कृत सीखा ये पता नहीं, कहाँ से उन्होंने इनकी विद्या सीखी ये पता नहीं, कुछ पता नहीं है, वो संस्कृत भी ऐसे सीखे और ये भी ऐसे सीखे, फिर वेद पर लेख लिखा। तो ऐसा जो व्याख्याएं होती है, ऐसे जो वेद पाठ होता है, उसको वैदिक परंपरा में वेदाध्ययन नहीं माना जाता। वैदिक परंपरा का वेदाध्ययन मंत्र उच्चारण वो है जो आप गुरु से अध्ययन करके तत्वन करते हैं और उसका आप अध्ययन करते हैं, और वेद सम्मत शास्त्रों के अनुसार जो भाष्य साधना आदि भाष्य है
उनके अनुसार चलते हैं, सायन का, उवड का, महीधर का, इनके सबके भाष्य है, उसके अनुसार जो करते हैं और उसके अर्थ ज्ञान के लिए मीमांसा ग्रंथों को देखते हैं और उससे कुमार भट्टवार्तिक है, उनके परंपरा में आए हुए पार्थसारथी मिश्र का ये सब ग्रंथों में देख करके उसका अर्थ सही समझ करके उसका प्रयोग में लाएंगे। ये वैदिक परंपरा से वेदाध्ययन माना जाएगा, उसका प्रयोग रहेगा। ये यहाँ बात टीकाकार ने उठाई है जो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि लोग इसका भेद को नहीं समझते। हम वेद को किताब को उठा के पढ़ लिया तो वेद पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। मना ही नहीं होने से कर सकते, करने से कोई पाप नहीं होता, ऐसा डरने की भी आवश्यकता नहीं। लोग डराते भी है, ऐसे पढ़ेगी तो पाप होगा, पाप नहीं होगा। अब पढ़ना चाहते हैं उसमें क्या लिखा है, देखना चाहते हैं, अच्छा लाइए देखिए कुछ नहीं होता, और पढ़ सकते समझ सकते, लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं करते। उतना पढ़ करके उसको आधार मान करके आगे कार्य नहीं कर सकते, यही भाष्यकार कहना चाहते। जो अध्ययन सामर्थ्य क्या है, जो अध्ययन विधि विहित सामर्थ्य हो हुआ था और उसके द्वारा जो प्राप्त करेंगे तभी होगा। ऐसे बोलने पर बहुत लोगों का अरुचि दिखाई पड़ेगा, अब कम से कम हम लोग उसी से पढ़ रहे हैं तो उसका उसको कोई निराकरण किया नहीं। ऐसा पढ़ने वाले को आज तक किसी को दंड दिया नहीं, कोई राजा ने भी पहले जमाने में नहीं दिया, आजकल तो होता भी नहीं इस प्रकार से। तो ऐसा जब दंड नहीं दिया, उसको निषेध नहीं किया, तभी तो पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया, ऐसा करने से होगा कि नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, उस विधि से नहीं हुआ तब तो उसका प्रयोजन नहीं आएगा, ये अभिप्राय है। बाकी नए करने में अभी जैसे जो इंजीनियर डॉक्टर आदि जो पढ़ा नहीं पढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, जैसे हम लोग सब किताब उठा करके पढ़ लेते हैं और बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट लोग लिखे उनकी किताब उठा के पढ़ के फिर हम साइंस के बारे में बात करते हैं और मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, ऐसा तो होता है, लेकिन उतने से वो डॉक्टर नहीं बन पाता। जानकारी आप रख सकते, उसके बारे में बात कर सकते, सब कुछ हो सकता है, वो बनने के लिए विधिवत जाना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार इसको मिला रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो क्या है लोग सोचते ये एक अलग पक्ष बना दिया, इन्होंने वर्गीकरण कर दिया, विभाग कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया करके सारे आरोप लगा रहे, जो आरोप निराधार है। जबकि उल्टा दूसरे धर्मावलंबियों ने, दूसरे धर्म जो मानते हैं भारत में देश विदेश में जो धर्म है, हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म वाले हैं, उन्होंने सारे नियम रखा कि ऐसे कोई व्यक्ति जो वो उनके हिसाब से अधिकृत नहीं है, ऐसे व्यक्ति उनके धर्म ग्रंथों के ऊपर कुछ भी कहेगा, कुछ भी लिखेगा, करेगा तो उनको तो दंड भी करते हैं और मार भी देते हैं, बता देंगे ऐसा है। उनके ऊपर किसी को कुछ बोल रहा है, उनके ऊपर नहीं बोलेंगे। अब यहाँ तो कुछ नहीं करता है फिर भी बोलेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार की हमारी आदत पड़ गई है और एक प्रकार हम इससे कुछ एक प्रकार की तमाशा दे जाओ, जो सुनते सुनते रहता है तो उनको और सुना दो, जो क्या पीड़ा सहन करने से उनको और पीड़ा दो, ये बुद्धि जो है होने से उनको अपने को बड़ा दिखाने हो गया। जैसा हमने वेद को निंदा किया, बहुत बड़ा जोर से बोलता वेद को निंदा किया, वेद ने ये गलत कहा है, वो गलत कहा है, ऐसा दिखा करके अपने को बड़ा दिखाना था, हम वेद को भी समझते और उससे सब गलत होंगे हम सही करने वाले, ऐसे जो भाव है ये भाव है। और यही भाव यदि दूसरे कोई धर्म के ग्रंथ के ऊपर है और उनके कोई आचार्य ऊपर आप यदि कहेंगे तो तब पता चलेगा उसमें क्या होता है, उसके करने कहने का हिम्मत किसी का नहीं होता है, होगा तो उसका तो पूरा सत्यनाश कर देंगे। ये है अंदर, इसीलिए इसके जो इसके अंदर जो अंदरूनी अर्थ है, इसके अंदर से क्या भाव है, क्योंकि हम सबको लेकर के सबके लिए हित में और सबको जैसे चार पुरुषार्थ प्राप्त कराने के लिए ये प्रवृत्त हुआ, वहाँ कोई विभाजन के लिए कोई तात्पर्य नहीं, किंतु उसको प्राप्त करने के लिए जो नियम व्यवस्था बताई है वो नियम व्यवस्था के अनुसार जाना पड़ेगा तब प्राप्त होगा, बाकी तो नहीं होगा, अधिकार प्राप्त होने से आगे चलेगा। इसके उत्तर में टीका में कहते हैं कि लिखित पाठादि जन्य विद्या विरित निवृत्त अध्ययन विधि अनर्थक्या नैव मिथ्याः। यदि आप लिखित पाठादि से ही
विद्या को उत्पन्न करके उसी से ही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। कई लोग बोलते हैं हमने बहुत पढ़ाई की, हमने ये किताब पढ़ा, वो किताब पढ़ा, वेदांत क्या ऐसे अध्ययन किया, वैसे अध्ययन किया, इतने साल से अध्ययन कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। आपने सुना होगा कई लोग ऐसे बोलते हैं, आके लोग और कुछ होगा नहीं भाई, कुछ होगा नहीं, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आप ऐसे किताब पढ़ने से यदि उससे ज्ञान हो करके आपको वो मैंने प्रयोजन मिल जाता तब तो वेद जो विधान दिया है, स्मृतियों ने जो विधान दिया सारे व्यर्थ हो जाएंगे, अब उसको जाने की जरूरत नहीं। कई लोग अभी बोलते हैं गुरु की आवश्यकता नहीं, गुरु की के लिए चाहिए, गुरु सिखाने के लिए चाहिए, हम दूसरे प्रकार से सीख रहे हैं, जो गुरु सिखा रहे उससे भी बढ़िया यूट्यूब सिखाता है, तो फिर हमें गुरु क्यों चाहिए, ऐसे पूछते हैं लोग। ये अर्थ दोनों अलग है, आपको उसका प्रयोजन नहीं होगा, कर सकते, इसलिए आप अधूरा रहे, सब कुछ करने के बावजूद भी अधूरा ही अनुभव करेगा। इसका कारण यह है, ये टीकाकार बता रहे कि लिखित पाठादि जन्य विद्या, लिखित पाठादि से उत्पन्न वेद विद्या से यदि आपको पूरा फल मिल जाता है तब तो दुर्द निवर्त, सारे दुर्द पाप का क्षय हो जाएगा, क्षया पाप के कर्मण का, तो सब कर्मों को आप उस प्रकार से देख करके करेंगे और उसी में दुर्द निवृत्ति हो जाएगी। दुर्द निवृत्ति होने से जो अध्ययन विधि है वेद में उसमें आनर्थक अध्ययन विधि आनर्थ, अध्ययन विधि का कोई प्रयोजन ही नहीं है। शिष्य से हम शादी माम तो हम प्रबंधन क्यों अधि भगवो ब्रह्मे जी क्यों कहने क्या सुतरिशोगम आत्मवित और यद वेद तद्वदा जो आप जानते इस विषय में उसको कहिए। तो ऐसे गुरु के पास उपसदन करके जो विधिवत कहा गया है उस प्रकार से जाकर अध्ययन करके प्राप्त करने के लिए क्यों कहा गया, तो उसका विधान का मतलब ही नहीं है, अन्य प्रकार से हो सकता है उसको वही प्राप्त हो जाए, लेकिन होगा नहीं, आज तक किसी को हुआ नहीं। ठीक है, जिनका पूर्वक्ष तो संस्कार है उनके बारे में बाद में बताएंगे, पूर्वक्ष संस्कार एक अलग होता है, अब उनके लिए ऐसे अध्ययन विधि आदि आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं, उनको फल पहले भी सिद्ध हो गया तो क्यों अध्ययन करेगी, फल विधि के लिए जो चाहते हैं उनको नहीं करना पड़ेगा, जो फल सिद्ध हो गया तब तो आवश्यक नहीं। जैसे देवताओं के लिए कहा था, देवताओं को वेदाध्ययन विधि से वेदाध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, कारण यह है कि देवताओं को पूर्वकृत कर्मों से वेद का ज्ञान सिद्ध है, ऋषियों को वेद का ज्ञान सिद्ध है, ऐसा यदि आपको सिद्ध है तब तो इन सब की आवश्यकता नहीं, सिद्ध नहीं है तो विधिया जिता जाएगा। इसीलिए ऐसे अध्ययन विधि अनर्थक हो जाएगा, तो वो अनर्थक होता हुआ ये ज्ञापित करता है कि अन्य प्रकार से अध्ययन करने से उससे प्रयोजन नहीं होता है, वो केवल जानकारी मात्र के लिए होता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलेगा, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज किसी के बारे में भी आप ले सकते हैं, तो उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, किसी के बारे में कैसा भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई विभाग नहीं। अभी जो अन्य धर्मावलंबी है ना, वो अन्य धर्म के जो ग्रंथ है वो लोग भी अभी धीरे धीरे तो प्रकाशन कर रहे, लेकिन वो जानते हुए वो दूसरे धर्मावलंबी को देते नहीं है, देंगे नहीं, मना कर देंगे, मालूम हो गया तो वो आपको खतरी पहुंचा दे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अन्य मतावलंबी लोग हैं जो हमारे पुस्तकों को पढ़ करके उसके लेख भी उठाया और बहुत कुछ लिखा है, और वो उसी पक्ष के उसी मत में उसी धर्म में है, फिर भी सब कुछ किया और उनको हम मान्यता दे दी, ऐसे भी है, हम मान्यता दे दी, मतलब जो मानने वाले मान लिए, उन्होंने कुछ बदला नहीं अपने को, फिर भी ये मान लिया, ये स्थिति हमारी यहाँ, तो कितने हम सबको स्वीकार करते देखिए, हमारी आदत है, हम ऐसे किसी को परेशानी नहीं करें, वो बदला है नहीं बदला उससे कोई मतलब नहीं, और यही चीज यदि दूसरा धर्म के बाद तुलना करके देखिए तो बिल्कुल नहीं मानेगी, वो गुजरात पढ़ उनको मालूम हो गया कि ये दूसरे व्यक्ति हमारे धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, मालूम हो गया तो उसको परेशान करेंगे, उससे उसको बंद करा देंगे, वो आगे जो लेख लिखते हैं उसको मान्यता देने के बाद दूर है, वो तो फिर करेंगे, उसमें तो हो सकता है यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा कैसे। इसीलिए ये नियम का प्रकार से जो आगे बात जाता है वो अलग बात है, जो इधर उधर से जो आगे जाता है वो अलग बात है,
दोनों जा सकते हैं, आप स्वतंत्र। लेकिन जो असली अनुष्ठान के द्वारा पाठक या अध्ययन विधि से जो परंपरा से कर्म आदि में प्रवृत्त करते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो इनको मान्यता नहीं देंगे। इसको आप कुछ भी बोलो उसको स्वीकार नहीं करें। मैंने पहले ही बता दिया, कर्म में भी उनको नहीं बुलाएंगे, जितने भी बड़ा जानकार हो लेकिन कर्म में उनका अधिकार नहीं देंगे। वहाँ जातिवादी तो एक वो ब्राह्मण भी हो सकता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के भी हो सकता है, यदि परंपरा से विधिवत अध्ययन नहीं करते हुए ये कुछ कुछ बोलता है वो कोई मान्यता नहीं देगी। वो तो है उनके पर, लेकिन वो कोई जानते नहीं क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। अब उसके लिए लोग प्रचार करते ये भेदभाव के लिए कर, ये इनका अक्सर नहीं करता, उनको इसका अंदर का रहस्य मालूम नहीं है, तो कोई पढ़ते नहीं एक अंदर क्या रहस्य क्या कर रहे हैं ऐसा उनको मालूम नहीं रहता, इसलिए उनको अनुभव भी नहीं होता है और उसमें श्रद्धा भी ठीक से नहीं होती है और अदृष्ट फल भी उससे ये स्पष्टीकरण दे दिया। यस्तु शूद्रो विद्यायाम अनवक्लुप्त परिदासो न श्रुता, ये भी तर्क दिया था पूर्वपक्षी ने कि विद्या में अयोग्य है ऐसा करके कहीं निषेध आया नहीं है, नहीं सुना है श्रुति में कहीं निषेध नहीं आया ऐसा जो कहा उसके उत्तर में कहते तत्रा यच्च इदम् शूद्रो इति अनवकृतः इति तन्न्याय पूर्वकत्वा विद्यायाम् अनवकृतत्वं द्योतयति, ये इससे अर्थात निकल जाता है। जब यज्ञ में अयोग्य सिद्ध किया तो उसका अर्थ होता है उनको वेदाध्ययन नहीं हुआ, यही अर्थ होता है। यज्ञ में अयोग्य जिन जिनको सिद्ध किया है उनको सब विधिवत वेदाध्ययन नहीं हुआ, जैसे व्रात्य आदि होते हैं उनको वेद है, उनको उस प्रकार से अधिकार यज्ञ में कर्तव्य पुरोहित बनने का अधिकार नहीं है, तो नहीं होने से उनको भी वो होता नहीं, तो यह सामान्य है। इसीलिए इसी से अर्थात निकलता है कि वेद संबंधी विद्या में भी इनको अधिकार नहीं। संस्कृत वेदार्थ ज्ञान अभावेन असामर्थ्य यज्ञ ज्ञाने भी तुल्यत्वा यज्ञोक्तेरुपलक्षणत्वाद अनधिकारो ज्ञाने विवाजनिकः शूद्रस्य, ये युक्ति अधिदेश करके लगाते हैं। जो संस्कृत वेदार्थ ज्ञान अभावेन, संस्कृत वेदार्थ मन संस्कार से युक्त, यहाँ संस्कृत मन संस्कृत भाषा से वेदार्थ नहीं है, संस्कार से युक्त जो षोडश संस्कार है उन संस्कारों से युक्त वेदार्थ ज्ञान का अभाव होने से असामर्थ्य, वेदार्थ ज्ञान का अभाव ही असामर्थ्य है, अब ऐसा वेदाध्ययन उनको नहीं हुआ असामर्थ्य। यज्ञवत ज्ञाने भी तुल्यत्व, यज्ञ में जैसा है वैसे ज्ञान में भी तुल्य है, यज्ञ में जो न्याय है वैसे न्याय यहाँ भी लगेगा। अब यज्ञ में क्या होता है, पूर्व कृत संस्कारों के बल से किसी को यज्ञ में नहीं बिठा, अभी तो ज्ञान में तो भाष्यकार कहेंगे पूर्व कृत संस्कार से हम मान करके हम उसको मान करके चलाते हैं, लेकिन लिखना हो सके नहीं मानते, इनको पूर्वकृत संस्कार है इसलिए इनको यज्ञ में अधिकार दिया जाए पुरोहित बना दिया जाए नहीं होता, उनको तो ये इस जन्म में भी यहाँ भी सारे अष्टाचत्वारि से संस्कार होना पड़ेगा, वो संस्कार करते करते ही आप उसमें कर सकते हैं, और पहले जन्म में वैसा था वो बात आ रहा है। अच्छा, वो पहले जन्म में आपको कुछ विशेष शक्ति प्राप्त है तो वो यहाँ काम आएगा, वो जल्दी सब कुछ हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन किए बिना उनको लगाए, इसलिए अवतार पुरुषों को भी हमारे यहाँ दो इतने अवतार, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण तो अवतार पुरुष है, उनको न कोई गुरु के पास जाने की आवश्यकता थी, न वेदाध्ययन करने की आवश्यकता थी, न गुरु सेवा करने की आवश्यकता थी, न जंगल जाके लकड़ी लाने की आवश्यकता थी, न आश्रम में शांतिपुर के आश्रम में झाड़ू पोंछा करने की आवश्यकता थी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो स्वयं अवतार पुरुष थे, भगवान श्री राम का अवतार पुरुष है। ऐसे ऐसे जो भी आए सब अवतार पुरुषों में भी देखते हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, गुरुकुल के जाने के समय हो गया तो गुरुकुल चले गए, गुरुकुल जा करके जैसे अन्यों ने अध्ययन किया विधिवत, जैसे अध्ययन किया वैसे विधिवत सब कुछ करते हुए अध्ययन किए, क्यों क्या आवश्यकता थी उनको ऐसे करने की, जब तो जन्म से ही जानी अवतार है तो उसका मतलब क्या, भगवान शंकराचार्य जी गुरु के पास गए अध्ययन किए, तो विधिवत करने का मतलब ये होता, आपके पूर्व संस्कार है तो वो उससे काम आएगा,
लेकिन कर्म में पूर्व संस्कार के कारण बाकी संस्कारों को नहीं करना ऐसा विधान नहीं है। विद्या में तो लेंगे, ये भी हमारे वेदांत में मीमांसा में ये अंदर है। हम उसको भी बलवान, क्योंकि दोनों का भी क्या किया था, पूर्व संस्कार के कारण ही तो उनको माना, पूर्व कर्मों को मानकर। इसलिए इस विषय में कर्म और ज्ञान में भेद है। इसलिए मैंने पहले कहा कि कर्म का अधिकार जहाँ से शुरू होकर के जहाँ समाप्त होता है, उसके अंतर्गत जो कुछ करना है वो कर्मकांड के विधान के अनुसार ही करना, इसमें हेर फेर नहीं होगा। यानी गर्भाधान संस्कार से लेकर के संन्यास तक अथवा अंत्येष्टि तक जो जो कर्म का विधान आपको किया गया, इसको सब संस्कार कहते हैं, इनको उसी प्रकार से करते हुए ही वहां जाना पड़ेगा। संन्यास के बाद कुछ नहीं, संन्यास के बाद ज्ञान होता है, ये जो होता है वो तो होता है। क्यों? हमारे आचार्यों ने ऐसे करके दिखा है, अवतार पुरुषों ने भी ऐसे करके दिखा है, तो आप उसको कैसे उल्लंघन कर सकते? उल्लंघन करेंगे यदि समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण यदि गुरुकुल में नहीं गए होते, वो वहां जाकर के विधिवत उपनयन आदि करके वेदाध्ययन नहीं किए होते, तो निश्चित है उनको हम किसी भी हालत में अवतार नहीं मानते, शास्त्रीय ढंग से अवतार नहीं मानते। क्यों नहीं मानेंगे? कारण यह है कि वो श्रेष्ठत्व को प्राप्त नहीं करेगा। यदि राजर्दि श्रेष्ठ इधरो जना, ये नियम सामान्य लौकिक नियम है, इसको लोग पालन करेगा, वो श्रेष्ठ बनना है और संस्कार कुछ नहीं किया तो बाकी तो संस्कार सब लुप्त हो जाएंगे, जैसा आजकल हो रहा है। ये हो जाना था, इसीलिए उनको वो भी ऐसे किए। भगवान के भजन महाभारत में भागवत में कहीं भी देखिए, भागवत में उनके दिनचर्या के बारे में बताए हैं, आप पढ़ करके देखना कैसी दिनचर्या करते थे भगवान। स्वयं ऐसे होते हुए वेद पाठ करना, जिससे अग्निगोत्र करना, जो दान करना, जो जो नियम गृहस्थ के लिए कहते थे सब नियम सुबह 4 बजे छोड़ करके जो जो करते थे सब वहां बताया। गृहस्थ लोगों को पढ़ करके देखना चाहिए जो भगवान की पूजा करते हैं। ये है हमारे शास्त्रीय नियम, इसको बोलते हैं संस्कार, इसी को अभिभाष्यकार शास्त्रीय सामर्थ्य बोलते हैं, और कुछ नहीं है। इतना ही है कि वहां आपको करना पड़ेगा, तो किसको छूट दिया? किसी को नहीं दिया। इन कर्मों से बाहर जाने के लिए किसी को छूट नहीं दिया। संन्यास लेने के बाद अलग है, संन्यास लेने के बाद आपको पूरा छूट आप अलग हो जाता है, एक संन्यास का नियम पालन करना ही होता, वो एक आश्रम है, वो आश्रम धर्म होता। इसीलिए ये जो कह रहे हैं कि ये सामर्थ्य वहां से इस प्रकार प्राप्त होने का मतलब, यज्ञ में जो सामर्थ्य जिस प्रकार कर्म के अंतर्गत जो जो नियम के अनुसार है, इसी प्रकार ज्ञाने भी तुल्यत्वा, ज्ञान में भी वो चीज तुल्य है। संस्कार तो आपको यहाँ भी चाहिए, बिना संस्कार कैसे हो? यज्ञ उक्ते उपलक्षणत्वाद अनधिकारो ज्ञाने भी वाचनिक सूत्र सूत्र। यज्ञ में जो कहा गया, यज्ञ अनवक्लिप्त जो कहा गया, ये उपलक्षण है। उपलक्षण क्या है? स्वयं का बोध कराते हुए स्व इतर बोध तत्व भी रहता है, स्वयं का भी बोध कराया और तत्सबंधी दल का बोध कराया, उपलक्षण कहते हैं। उपलक्षण से जिसको अनधिकारत्व यहाँ भी प्राप्त हो जाता है, वेद वैदिक विद्या में इनका अधिकार प्रकार प्राप्त न्याय से इत्यादि। पूर्व पक्ष बीजम अनुभाष्य दूषयति, फिर पूर्व पक्ष का जो बीज था जिसके आधार पर पूर्व पक्ष इतने सब कुछ कर लिया, वो बीज को पुनः अनुभाषण करके अनुवाद करके उसका दोष देते, यत पुनः इत्यादि का यत पुनः संवर्ग विद्यायाम शूद्र शब्द श्रवणम लिंगम मन्यसे तल न तद लिंगम न्यायाभावः। जो आप संवर्ग विद्या के शूद्र शब्द को वैदिक लिंग मानते हैं, ये वास्तव में लिंग नहीं है, ये लिंग प्रमाण वाक्य प्रमाण वाक्य के ये सामर्थ्य शब्द सामर्थ्य ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो ठीक है, मुझे तद अभावे भी स्वतंत्रमेव लिंग दर्शनम द्योतकम आशंका था कि ठीक है, यदि लिंग प्रमाण या न्याय नहीं मिला, यानी विधि का आपने स्वीकार नहीं किया, लिखित पाठ आदि से भी विद्या को आपने स्वीकार नहीं किया, ऐसा होने पर भी स्वतंत्र लिंग प्रमाण मिलेगा, लिंग प्रमाण का अपना अर्थ होता है, तो श्रुति लिंग दूसरे प्रमाण में है, तो उसी से आप हम अर्थान करेंगे। ऐसी आशंका करने पर उसके उत्तर ने कहा, वो लिंग प्रमाण तब लिंग प्रमाण होता है
जब न्याय के साथ विरुद्ध ना हो, न्याय विरुद्ध ना हो, लोग विरुद्ध ना हो और शिष्टाचार विरुद्ध ना हो, तो ऐसा लिंग प्रमाण, ऐसा अर्थवाद प्रयोजन होता है। अब बाकी का अर्थवाद लिंग प्रमाण का प्रयोजन नहीं कर सकते, क्योंकि स्मृति आदि को विरोध में जाएगा तो लिंग प्रमाण कैसे हो। कहा न्याय अभाव। विषादस्थवदीं याजयेत् इति वद शोधनाभावा अर्थवादस्य शूद्र शब्दस्य च अन्यतः सिद्धार्थ अवध्योदिनः शोधो अप्रापगत्वा अन्यपरस्य मानांतर अविरोध एव प्रामाण्या। इसका सारे हेतु को समन्वय कर देते। ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय क्या था और सिद्धांत ही इसका उत्तर न्यायाभाव करके भाषिका में क्यों का ये है कि पूर्व पक्ष कह सकता है कि यहाँ शूद्र शब्द आया, जैसे निषाद शब्द आया, रथकार शब्द आया, देवता शब्द आया, ऋषि शब्द आया, तो इन शब्दों को लेकर के आपने अर्थवाद को भी तात्पर्य मान करके वहां अर्थ लगाए थे और उसमें प्रयोजन सिद्ध किए थे, है ना। अब यहाँ भी वैसे आया तो शूद्र शब्द भी शब्द प्रयोग है, तो निषाद स्तवधि न्याय से हम भी हो जाएगा, इसको क्यों आप बदलना चाह रहे, तो उसके लिए हेतु बता। निषाद स्तवधि याजयेत में और यहाँ जो शूद्र शब्द का संबोधन में बहुत अंदर है। अंदर ये है, निषाद स्तवधि न्याय वहां विधि के रूप में, विधि विधान के रूप में, तो वो विधि करता है कि निषाद स्तवधि वो चतुर्थ वर्ण के होते हुए भी उनको याजन कराएं, ऐसा कहता है, तो उसके लिए जो रौद्र याद कहा गया उतना वो करेगा। ये स्थापित किया निषाद स्थपति अधिकरण में, वो विधि वाक्य है, विधि वाक्य को अन्यथा नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बलवान होता है विधि वाक्य, अन्यथा नहीं कर सकते। तो यदि वह चोदना अभाव, ऐसे चोदना है ही नहीं, चोदना रूप धर्म यहाँ नहीं है। या तो अर्थवाद शूद्र शब्द से, यह अर्थवाद में स्थित था, एक सामान्य संबोधन है, इसका तो अन्यतः सिद्धार्थ अवधि योजना, इसका अर्थ तो अन्य प्रकार से सिद्ध हो सकता है, जैसे यौगिक अर्थ में इसका अर्थ लग सकता है। ऐसे में शोधो अप्रापकत्व, ये अर्थवादस्थ ये जो पद है शूद्र पद, ये स्वतः कोई अर्थ को स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं कर सकता, इसको ऊपर इतना चिंतन करके कोई फायदा नहीं। अन्य परस्य च मानांतर अविरोधे एव प्रामाण्य, तो अन्य परम मन अन्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ शब्द का कहीं प्रामाण्य नहीं होता है क्या? बोलते होता है, कहीं कहीं उसका भी प्रमाण मानते, लेकिन अन्य प्रमाण से विरोध नहीं करना चाहिए। अन्य प्रमाण से विरोध नहीं होता है तो अन्य अर्थ में प्रयुक्त शब्द का भी अर्थ लगाया जाता है, ये वाक्य संगति में नियम है, ऐसा किया जाता है, कई जगह कई अधिकरण ऐसा मीमांसा में है ऐसा अर्थ किया, लेकिन अन्य के साथ विरोध नहीं होना चाहिए, विरोध हो रहा है तो नहीं होगा। अन्य परस्य मानांतर अविरोधी, अविरोध में तो प्रामाण्य है, नहीं तो नहीं होगा। अत्र न्याय विरोधस्य उक्तत्वात् असाधकं लिंगरूपं, यहाँ न्याय के साथ विरोध है इसीलिए यहाँ असाधक है लिंगरूपं। शूद्राधिकारेपि तर्हि लिंगानुग्राहको नायोऽस्तु नैच। तब एकदेशी पूर्व पक्ष एकदेशी बोलता है कि शूद्र अधिकार में भी लिंग अनुग्राहक कोई न्याय ढूंढ लिया जाए, कोई न्याय युक्ति ढूंढ लिया जाए, तो उसे हम न्याय अनुग्रहित करेंगे इस शब्द को, तब तो लिंग प्रमाण हो जाए। बोलते ना, न चाह न चा अत्र न्यायो अस्ति, ऐसा कोई न्याय यहाँ मिलता नहीं, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। किंच अर्थवादवशात् विद्या मात्रे वा शूद्राधिकार संपर्क विद्याया मेवा। अब जो आग्रह करता है शूद्र शब्द का कुछ प्रयोजन बताना चाहिए, इसको लगाना चाहिए, ऐसा जो दुराग्रह करता है उनको स्वीकार करते हुए दो विकल्प कर देते। आप यहाँ जो शब्द आया है उसको निषाद स्तवधि न्याय से अर्थ में लाना चाह रहे हैं, तो आपका अभिप्राय क्या है? किंच अर्थवाद वशात्, अर्थवाद की दृष्टि से, अर्थवाद वाक्य में आया हुआ ये जो शब्द है इसको लेकर के विद्या मात्र में अधिकार है, सभी विद्या में अधिकार, ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं? ये तो संपर्क विद्या में आया हुआ है, लेकिन आप सभी विद्या में अधिकार इसके माध्यम से सिद्ध करना चाहते हैं, ये एक पक्ष हो सकता है।
दूसरा आपका आग्रह क्या है? केवल संवर्ग विद्याया में हुआ, ठीक है, संवर्ग विद्या में आया है तो निषादित सबली न्याय तो संवर्ग विद्या में होगा, जहाँ आया हुआ उस प्रकरण में वहाँ होगा, तो दोनों में से एक हो सकता है। तो बोलते पहले वाला तो नहीं हो सकता, ना पहले वाला नहीं हो सकता, क्योंकि एकत्र आया हुआ शब्द को सर्वत्र आप अन्वय करेंगे तो फिर उथल पुथल हो जाए, तब तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कहीं एक अधिकारी विशेष के लिए कोई विधान किया गया और उस अधिकारी का नाम लेकर के सभी में उसको अधिकारी मानेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगा, ऐसा तो कर नहीं सकता, वो तो ऐसे ही चले गया। फिर दूसरा है संवर्ग विद्या में आया है इसलिए संवर्ग विद्या में कम से कम अधिकार मान लिया जाए, बोला वो भी यहाँ निषादत सबदी न्याय से नहीं चलेगा, क्योंकि निषादत सबदी न्याय ये दो विधि वाक्य है या आदवा। यदि ऐसा मानना है तो इतने में मान लो, ऐसा करके स्वीकार कर लिया निषादत सबदी से, केवल संवर्ग विद्याया में अस्याम सूत्रम अधिकुर्या सद विषय स्वा न सर्वासु विद्या, सारे विद्याओं में नहीं होगा उतने में मान करके आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, वो भी ठीक नहीं है। आगे भाषिकार क्योंकि स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, ऐसा भाष्य का लक्षण है, पहले कहेंगे और उसका और भी वर्णन करते हैं। सद विषयत्वात् संवर्ग विद्या विषयार्थवादस्तत्वात् अस्य इति आवत, सद विषय का अर्थ संवर्ग विद्या विषय अर्थवाद होने के कारण इसको संवर्ग विद्या में अधिकार मान सकता है, उतने में मान करके आप संतुष्ट हो सकते। संवर्ग विद्या अधिकारे सूत्र शब्द सिद्धे विद्यात्वात् अन्यत्रा भी तदधिकारो अस्तु इति विधीयमान संज्ञा, सुस्वर पूर्व पक्षी जैसे पहले प्रश्न किया फिर पूछेंगे तो संवर्ग विद्या में अधिकार आपने दे दिया तो फिर क्या है अनुमान कर देंगे, वो अनुमान क्या करेंगे कि सर्वासु विद्यासु शूद्राणाम अधिकारो अस्ति विद्यात्वात् संवर्ग विद्यायाम इव, ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, संवर्ग विद्या में है विद्या है जिसमें हेतु साधु दोनों है तो यत्र यत्र विद्या तत्र तत्र अधिकार से प्राप्त हो जाएगा, तो सभी विद्या में चला जाएगा। ये अनुमान को मन में रख के बोल रहे, पहले संवर्ग विद्या में आपसे मनवाया, मनवाने के बाद उस संवर्ग विद्या को दृष्टांत बनाया, दृष्टांत बनाने के बाद सभी विद्या में अधिदेश कर दिया, ऐसा बोला ऐसा नहीं चलेगा। संवर्ग विद्या अधिकारे शूद्र शब्द सिद्धे विद्यात्वा, ये हेतु दे रहे, संवर्ग विद्या के अधिकार में शूद्र शब्द को सिद्ध होने पर विद्या होने के कारण अन्यत्रापि तदधिकारो अस्ति, अन्यत्रापि उसको आलम्बन बनाए, मतलब वार करने के लिए उसके पास भी तलवार दे दिया तो फिर उसी से वो वार करने लगी हो जाता है। अब आपने मान लिया स्वीकार कर लिया तो आगे उसी से होता है, ताकि ये एक रीति है एक प्रक्रिया, अब वो कुछ नहीं पकड़ते हैं तो आपसे पहले दृष्टांत को सिद्ध करेंगे, ये इनका मैंने तर्क में विशेष है, आपको कोई दृष्टांत नहीं मिल रहा। अब दृष्टांत पर भी विवाद चल रहा है, यहाँ जैसे संवर्ग विद्या में पहले विवाद है तो वहाँ है कि नहीं है, तो पहले दृष्टांत स्थान को पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर सिद्ध करेंगे, दोनों मानेंगे ये यहाँ है ठीक है, ऐसा दोनों पक्ष मान लो। अब जैसा ही वो मान लेते हैं फिर उसको आधार बना के उसको दृष्टांत बना करके फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम रोक नहीं सकते क्योंकि पहले मान लिया था, मानने के बाद में दृष्टांत बना सकता है। दृष्टांत का लक्षण है पक्ष और विपक्ष दोनों वादी मानना चाहिए, उभय संबंध होना चाहिए दृष्टांत, तो उभय संबंध तो संवर्ग विद्या में आ गया, पूर्व पक्षी तो पहले से मान रहे हैं, सिद्धांत जी ने अभी तत्काल मान लिया तो वो दृष्टांत सिद्ध हो गया, तो विद्या तो सामान्य सर्व विद्या तो अधिकार है, ये अनुमान लग जाएगा, फिर आप अनुमान को रोक नहीं सकते, व्याप्ति मिल जाएगी, ऐसे करके बोल रहे थे कहते हैं ऐसा भी नहीं, तो कितना कठिन है ये कर्तव्य की जो शैली है ना कठिन है, तो सब सोचना पड़ेगा नियम से जाना पड़ेगा। बोलते हैं उसमें दोनों में अंतर ये है कि अर्थवाद तत्वाद न क्वचित भी अयम सूत्रम अधिकर्तम कर, ये अर्थवाद के विषय है, ये अर्थवाद के विषय को बहुत सावधानी से लेना पड़ता है, अर्थवाद विषय को लेकर के कोई विधि को पुष्ट करे या कोई विधि का निर्णय करे ऐसा नहीं हो सकता। तर्ही वैदिक सूत्र पद से अनर्थक्य मिथ्याशंका, अब अंतिम ये प्रश्न, अब क्या है आपने ना इधर अर्थ करने दिया ना उधर अर्थ करने दिया, तो वो जो शब्द प्रयोग किया है ना राइको ने तो शब्द तो प्रयोग किया और वेद के अंदर है उपनिषद में छांदों के उपनिषद में है, अब क्या इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं निकाल रहे आप,
ऐसा है क्या? बोलते हैं ऐसा नहीं, वैदिक सूत्र बना मनस्य अनर्थक्य, वो अनर्थक्य अनर्थ हो गया, वो शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल। जैसे कई निपात होते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे वषट, वषट का कोई अर्थ नहीं, स्वाहा स्वधा हंदा आदि जो पद मंत्र के पीछे लगा था फट हूं फट, इन शब्द का वो कोई अर्थ नहीं होता, किला आदि का अर्थ है, तो ये इनका कोई अर्थ नहीं होता। इनका अर्थ तो ये है कि एक किसी मंत्र के साथ लगने से उसके आगे क्या कर्म करना है वो प्रेष करने के लिए होता है, वो वचन बोलने से प्रेष हो जाता है, प्रेष होने के बाद में फिर होता आदि जो है सत्र आदि का उच्चारण करेंगे, फिर वो स्थिति का दान करेंगे, तब स्वाहाकार होगा, फिर वशत करीक्षण ध्यान करना होगा, वशत्कार करता हुआ ध्यान करेंगे, वो अध्वर्य प्रेष देगा तो यजमान वशत्कार बोलने से वो समझेगा अब ये देवता को ध्यान करना है, समझेगा वो ध्यान करेगा, इतने के लिए होता है, उन शब्दों का कोई अर्थ है नहीं। ऐसा अनर्थक है ये, वो संबोधन किया कोई मतलब नहीं, ऐसा हो गया तो बोला ऐसा नहीं है, इसको हम दूसरे प्रकार से अर्थ लगा सकते हैं, सूत्रम योजयी तुम योजय, सूत्र का भी लाते शक्य दे चायम सूत्र शब्द अधिकृत विषय योजयी तुम, ऐसा था जात्यंतरे रूढ़स्य कथम अन्यार्थदा इति संकते, ये कैसे होगा जात्यंतर में रूढ़ जो सूत्र शब्द है उसको आप क्षत्रिय में ला कैसे लाएंगे, और क्षत्रिय को आप उस शब्द से बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा नहीं, वो मानेंगे नहीं, तो ऐसे कैसे होगा अन्यत्र रूढ़ शब्द को अन्यत्र ला करके बोलना ठीक नहीं होता है, ऐसी आशंका करने पर कहते यहाँ देखो उसके कथन को कथा को देखना, वो कथा में वक्ता का तात्पर्य क्या है देखना, वक्ता वहाँ वास्तव में उनको क्या कहना चाहता है उस अभिप्राय से होगा, जैसा मैंने पहले कहा संबोधन का एक निश्चित अभिप्राय नहीं होता, संबोधन अलग अलग जगह पे होता है, किसी को कोई बंदर बुला करके प्रेम से भी संबोधन करते, बंदर बुला करके नाराज होकर के भी संबोधन करते, तुम तो बंदर है ऐसा बोलने से बच्चे को बुलाए तो प्रेम से होता है, अब शब्द वही प्रयोग किया है ना, कैसे कैसे शब्द माता पिता लोग बड़े लोग बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे होता है, तो उसको कहने का मतलब कभी बहुत प्यार से भी होता है, यूनिक नेम बहुत सारे डालते हैं, बहुत प्यार से ही डालते हैं, बाद में वो परेशानी हो जाता है, वही नाम सबका हो सबके मुंह में आ जाता है, तो उसके बाद असली नाम किसी को पता नहीं चलता, ऐसा तो होता है। तो अब ये जो है संबोधन है, ये संबोधन उस समय वक्ता के मन में क्या अभिप्राय है उसके अनुसार रहता, उसका कोई ये नहीं, क्योंकि संबोधन का सीधा वाक्य में अन्वय नहीं होता, संबोधन केवल अभिमुखीकरण के लिए होता है, और संबोधन कोई विधि को द्योधित नहीं करता, संबोधन कोई निषेध को द्योधित नहीं करता, कुछ नहीं करता है, संबोधन क्या अर्थ ये इतना ही है वो अभिमुखीकरण और संबोधन अपने तरफ करना, और कुछ कहना चाहते हो उसको समझाना, इससे कोई अर्थ विशेष निकाल करके इतने सारे वाद-विवाद करने का कोई मतलब नहीं, संबोधन है उसको हटा देंगे तो भी वाक्य ठीक रहेगा, यही संबोधन का, और वाक्य घटना में से एक शब्द घटाएंगे तो वाक्य नहीं रहेगा, ये ऐसा नहीं, तो ये है विशेष बात बताना चाहते हैं, इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ये कहा तो कथम कथम इत्यादि, अभी वहाँ वाक्य दे दिया कंबरा ये नैतम था यौगिक अर्थ सन्निधौ अदृष्ट रूढ़ि ग्रहात वरम दृष्ट योग ग्रहण, ये एक प्रसिद्ध न्याय यौगिक अर्थ के सन्निधान में, यौगिक अर्थ के सन्निधि में अदृष्ट रूढ़ि ग्रहात जो अदृष्ट रूढ़ि शब्द के ग्रहण से श्रेष्ठ होता है अच्छा होता है कि दृष्ट योग ग्रहण, दृष्ट फल वाला तात्पर्य निकालना, दृष्टे दृष्टे फले न अदृष्टार्थ कल्पना, जब फल दृष्ट फल मिलता है कोई भी कार्य से वहाँ अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करती, जैसे आगमनादि विधि का उदाहरण दिया बन रहा है, ये हम जो है मंत्र बोल के आगमन करते पानी डाला जाए, आगमन करने के लिए इतना नहीं डालना चाहिए, आगमन करने के लिए कितना पानी डालना है इसका विधान उतना ही पानी डालना है, कई लोग जो है ना आगमन करने के लिए जैसा ऐसे गिलास से ऐसे घुमा, तो हाथ में पानी डालने में भी तकलीफ होता, वो
मंत्र बोल दिया, ग्लास ही घुमा दिया, वो सोचता है ये भी तो पानी है, ये भी तो पानी है, यही संस्कार का अंदर होता है। तुम ग्लास घुमा करके फिर ऐसे डाल दे आदम, ये कोई आसमान है, ये आसमान नहीं है। तो आदमन का एक विधान है, वो कैसे आप उधरणी से पानी डालना और कहाँ डालना और कितनी मात्रा डालना, कितनी मात्रा डालना मालूम है। एक बार जितने पानी डालेंगे उसमें तीन चावल के दाने डालने पर वो डूब जाना चाहिए, वो उसकी मात्रा। तीन चावल के दाने जैसा डालेंगे वो डूबता है, तो उतनी मात्रा उसमें होना चाहिए। और जो उधरणी सामान्य रूप से उधरणी होते हैं उसकी उसमें भी मात्रा वो लगभग बैठता है, उतना ही डालना, उतना डालना है। और कहाँ से पीना है ऐसा वैसा ऐसा नहीं, वो पीने का स्थान है, वो तीर्थ स्थान बोलते हैं, तीर्थ स्थान से वो पीना चाहिए, तब वो आगमन होता है। अब इतना सब कर्मकांड करके जो आगमन करके आप दो बूंद पानी पी रहे हैं, उससे न प्यास बुझता है, न कोई उससे कोई प्रयोजन होता है, कुछ नहीं होता है, खाली पानी पी रहे क्या होता है। लोग पूछते यहीं से करने से क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है ऐसा दिखता है। अब क्या है, दृष्ट प्रयोजन नहीं है, स्पष्ट है कि उसमें कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है। तो फिर क्या है, ऐसा दृष्ट प्रयोजन नहीं होने से उसमें अदृष्ट कल्पना, आगमन से अदृष्ट प्रयोजन होता है, दृष्ट प्रयोजन नहीं होता। इसीलिए विधिवत करने से ही आपको उसका प्रयोजन होगा, ऐसे क्लास घुमा करके करने से नहीं होता। मतलब इतने में भी आलस्य हो जाते, भोजन सामने आ गया दो मिनट कितना देर हो, ये तो एक मिनट भी नहीं लगता है उसको डालने के लिए, धीरे से पीने के लिए कितना समय लगता है, वो भी नहीं करना चाहते। तो पता नहीं है वो किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। अब हमारी हमारे हमारी आदत ये हो गई है कि हम जो स्कूल कॉलेज और समाज से जो कुछ सीखते हैं ना, तो सभी में पूरा 100% दृष्ट फल का ही सीखते, ये बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसके कारण आजकल लोग हमारे संस्कृति से बाहर जा रहे हैं। उनको अदृष्ट की कल्पना करना आती ही नहीं है, अदृष्ट क्या चीज है उनको पता नहीं है, न उनको सिखाया जाता है न वो कल्पना करते। इसीलिए सब लोग लगे रहते हैं अरे वो करने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है, सब में पूछने लगते हैं। क्यों, उनको सब में दृष्ट फल आपको कुछ बताना पड़ेगा। इसीलिए सब लोग सीख लेते हैं, आजकल प्रबंधन करने वाले भी सीख लेते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा दृष्ट फल नहीं बताएंगे वो करेंगे नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। अदृष्ट की कल्पना करके करने वाली बात बहुत दूर, आप उससे आप पहले बताओ हमको क्या प्रयोजन हो, ऐसा करने से ऐसा होगा, फिर आपका जो है ये हो जाएगा, आपका जो है मन ठीक हो जाएगा, ठीक होगा, फिर ऐसे ऐसे कुछ कुछ शब्द प्रयोग करेंगे तो बड़ा आनंद भी होता है, ओ हो बा तो बहुत अच्छा प्रयोजन होता है, ऐसे होगा तो करेंगे, हो रहा है नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि हमें ये सिखाया नहीं जा रहा, अदृष्ट प्रयोजन की कोई मतलब ही नहीं सिखाया जा रहा। पढ़ाई लिखाई किसके लिए कर रहे हैं, दृष्ट प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पैसा हाथ में आएगा, पैसा से हमारा जीवन चलेगा, व्यापार करता है पैसा हाथ में आएगा, उस सब में दृष्ट प्रयोजन है। अदृष्ट प्रयोजन का कोई मतलब, अदृष्ट को हम मानते ही नहीं, संस्कार को मानने वाले। केवल हमारे धर्म की बात नहीं, इस विषय में हमारे धर्म की बात नहीं, जितने धर्म है सभी में स्थिति ये दुस्थिति है। इसलिए सब छोड़ रहे, उनको दृष्ट प्रयोजन जब तक नहीं सिखाएंगे। अब कई धर्मों में दृष्ट प्रयोजन सिखाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं, हमारे यहाँ कम से कम उसको वैज्ञानिक ढंग से कुछ कुछ रिसर्च हो रहा है, धीरे धीरे सिखा सकते हैं हम लोग, उसको उसमें लगे हुए कहीं तो दृष्ट प्रयोजन थोड़ा बहुत बोलते जाते हैं, यदि नहीं बोलेंगे तो वो समझते ये स्थिति हो गई। इसीलिए आगमन करने का दृष्ट प्रयोजन नहीं है, उसमें अदृष्ट प्रयोजन माना, ऐसे बहुत सारी चीजें। अब तिलक आदि लगाने का तो ठीक है, वो तिलक लगाने से क्या दिखाई पड़ता है, अपना फोटो लेने से बढ़िया रहता है, प्रयोजन है नहीं तो आप धार्मिक है ऐसा रहता है। कोई लोग संध्या नहीं करते हैं, संध्या किया है दिखाने के लिए, तो आलस्य है सो जाता है, संध्या का समय बीत गया, वो समय नहीं रहा, बड़ा फट उठ गया, मुंह धो गया, रुपया हो गया, वो लगा दिया तिलक, वो बाहर आएगा तो संध्या तो दुष्ट प्रयोजन है, बीत गया ना संध्या कर, तो वो कुछ प्रयोजन तो उसको कम से कम है, उसमें भी अदृष्ट प्रयोजन की है। तो कुछ दुष्ट प्रयोजन भी आले भी है ऐसा दिखता है, लेकिन कई चीज को दुष्ट प्रयोजन वाले है ही, आगमन है, प्रोक्षण है इत्यादि। तो ऐसे में यहाँ दृष्ट प्रयोजन अदृष्ट प्रयोजन का जब विवाद होता है, तो अदृष्ट प्रयोजन की स्थिति में अदृष्ट प्रयोजन तब माना जाता है
जब दृष्ट प्रयोजन नहीं है। इसीलिए यहाँ दृष्ट प्रयोजन वाले जो यौगिक अर्थ है उसको बलवान मानना चाहिए, अदृष्ट प्रयोजन वाले को नहीं मानना। वो जो वाक्य आया है उसका अर्थ कर देता है, ज्ञान श्रुति राजा बहुविध अन्नदान अन्नपान दान शूर ग्रीष्मे रात्रौ हरिये सुस्वादा। ज्ञान श्रुति नाम का राजा था, वो बहुत प्रकार से अन्नदान आदि आदि करते थे, जो शास्त्र विधान के अनुसार दान करते थे, बहुत दान शूर था। और वो राजा जो है ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के समय अपने हर में अपने महल के ऊपर छत में सुस्वाबा सो रहा था, मतलब वहां बिस्तर लगा करके सो रहे थे, गर्मी बहुत हो रही हवा के ये भाव ऊपर सोते समय सत्य ऊर्ध्व अंतरिक्षे दृष्टि गोचरे हमसे गच्छत्सु पृष्ठगामी हमसो अग्रे हमसम अग्रेसरम प्रत्युवाच। ऐसे वो सो रहे थे तो उसके ऊपर से आकाश से उठती हुई हमसे जा रहे थे। उनमें से एक पीछे जाने वाले जो हंस है वो आगे जाने वाले हंस को संबोधन करके ऐसा कहा, ये वाक्य का नंबर आया, किम न पश्यसि परम धार्मिकस्य ज्ञान श्रुतेः ज्योतिर् द्युरोग संलग्नं तद् स्वां गच्छति। क्या तुम नहीं, तुमको मालूम नहीं हो रहे ये जो ज्ञान श्रुति राजा है परम धार्मिक है और उसका जिसका जो तेज है वो द्युलोक पर्यंत संलग्न है, द्युलोक पर्यंत फैला हुआ, ऐसा ये ज्ञान श्रुति राजा का जो तेज है वो तुम्हें भक्ष्यति तुम्हें जला देगा, ये तुमको पता नहीं चल रहा इतने तेज है। ऐसे श्रुति करते हुए पीछे वाले हंस ने आगे वाले हंस को कहा, तदा स्वाब्रवी तब वो आगे वाला हंस जवाब देता, कम एनम वरागम पाणिमा प्राणी मात्र संतमरे वदनम प्रवीशी। तुम क्या जानते हो, तुमको पता नहीं है, कम एनम वरागम प्राणी मात्र, ये तो अल्प प्राणी, वरागम बहुत अल्प, हाँ प्राणी मात्र, ये इनके विशेष रूप से शक्ति नहीं, प्राणी मात्र मनुष्य मात्र है। ऐसा होता हुआ आप अरे सयुग्वान रायको, सयुग्वान रायको को देखो, ये तो सामान्य व्यक्ति है, इनकी कोई विशेष देश नहीं, इससे कोई धोने वाला नहीं, सयुग्वान सयुग्वान जैसा तुम ये वजन कर रहे हो, क्या तुम सयुग्वान रायको को जानते हो, नहीं जानते, ये मतलब है, यदि जानते हैं तो ऐसा कहने वाला नहीं था। ऐसा करके उन्होंने राजा को नीचे दिखा, तो आगे वाला कहा शब्द अवधारण शब्द लाएगा सयुग्वान कमुवर, ये कमुवरा है ना, कमु अरा, तो आगे कहता है उसके अर्थ करते हैं युग्वा गेंद्री, युग्वा मैंने गाड़ी है जिसे गमन करते हैं, गेंद्री गाड़ी तया सह वर्तते यो रईक, उसके साथ बैठा हुआ है वो रईक, इसलिए सयुग्वान रईक का उसका एड्रेस वही है, बैलगाड़ी के नीचे बैठा, यस्य धी फले कर्म फलम सर्वमंतर्भूतम, जिसके ज्ञान के फल में सारे कर्म का फल अंतर्भूत हो गया। ये भगवान ने कहा ना, ये एक ही ज्ञान के जो फल है वो ज्ञान के फल में सारे कुछ अंतर्भूत, कर्म कर्मागलम पाता ज्ञाने परिसमान, तो वो एक है। ज्ञान फल का सबका अंदर भूत, मैंने ज्ञान फल में सब कुछ अंदर भूत होता है, इसलिए भी फल कर्म फलम सर्वम अंदर भूत स एव एतदुक्त योग्यो नायमज्ञो राजा इति, वही आपके वजन के योग्य है, आप जैसे स्तुति कर रहे हैं स्तुति के योग्य वो राइक को है, ये जो अज्ञ राजा अज्ञानी राजा क्या जानता है, ये इसके लिए स्तुति के योग्य नहीं है। श्रुति एदाम आश्रित्य सुखस्य इत्यादि अक्षराणि भोजन, इस श्रुति को आश्रय लेकर के ये सूत्र में सुखस्य तथा द्रवणाद इत्यादि सूत्र की योजना करते, इसका अक्षर योजना करते, अक्षरों का अर्थ करते, पदों का अर्थ करते,
इत्यस्माद् इत्यादि कहा भाष्यकार ने आगे टीका उत्पन्न शोक सूजनम अनुपयोगी इत्याशंका। ये जो शोक के सूचना मिल रही है कि राजा को ऐसा शोक हो गया, ऐसी व्यथा हो गया अंदर, उसके कारण वो चल पड़े रेखों के ढूंढ में, ऐसी जो बातें हैं इसका कोई उपयोग नहीं है यहाँ। ये बात को आपने क्यों यहाँ लाई, इसका क्या मतलब, कोई तात्पर्य नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी शंका करता। उसको कहते हैं ये देखो इसी से अर्थ निकालना पड़ेगा। आत्मनः अनादरम श्रुतवतो जान श्रुतेः उत्तरायणस्य शुभुत्पेते। अपने निंदा सुनने से उत्तरायण राजा के मन में शोक उत्पन्न हो गया। काम ऋषि सूत्र शब्द से मुख्य अर्थ त्यागे हेतु महा। सूत्र शब्द का मुख्य अर्थ का यहाँ मैंने रूढ़ी अर्थ का त्याग किया जाता है। क्यों किया, क्योंकि जाति शूद्र से अधिकार है। जाति शूद्र को वैदिक उक्त विद्याओं में अधिकार नहीं है, क्योंकि वेदाध्ययन नहीं होने से ऐसा पूर्व भाष्यकार ने पहले कह दिया। ठीक है, सदा द्रवणादित्य से शंका मा, सदा द्रवणादित्य के लिए शंका ग्रंथ को रख देते हैं। आगे सूत्र में वाक्य है सदा द्रवणा, सदा द्रवणा जो सदा द्रवण है, तो कथम पुनः सूत्र शब्द उत्पन्न सूत्र दी। ये आपको कैसे मालूम हो गया, सूत्र शब्द के द्वारा शोक उत्पन्न हुआ, व्यक्ति की स्थिति दिखा रहे हैं, वो राजा के मन में शोक उत्पन्न हुआ ये दिखाने के लिए वो शब्द प्रयोग किया, आपको कैसे मालूम पड़ा। उसके लिए उच्चदे तदा द्रवणादि इत्यादि ग्रंथ व्याख्येयम् आदाय त्रिधा व्याख्यादि। व्याख्येय शब्द यहाँ शूद्र शब्द है, उसको लेकर के तीन प्रकार की व्याख्या देते। पहले ये जो शुग जो शब्द है, ये शोक शब्द, ये शुद्ध शोके धादु से रक्त प्रत्यय करके बनता है। सुजेर दस का सूत्र से रक्त प्रत्यय करेंगे और उसमें दा भी हो जाता है, टकार दकार हो जाता है और बन जाएगा सुधा, सुधा बन जाएगा। और उसके बाद में उपदा दीर्घ भी वहां से अनुमति जा रहा है, उपदा दीर्घ भी करने से शूद्र बन जाए, रक्त प्रत्यय बनाने से शूद्र बने, ऐसा एक अर्थ है। दूसरा जो है कल हमने बताया था समास पद बना करके, समस्त पद बना करके भी उसका अर्थ किया जा सकता है, जैसे भाष्यकार अर्थ कर रहे दोनों तरफ से बोल लिया जा सकता है। यदि समस्त पद बनाएंगे तो उसमें दो निकलेगा, अलग शुगर और द्रा धातु निकलेगा, और यदि नहीं है तो सीधा शुद्ध से भी बना सकता है। शुजम शोगम अभिद्रावा प्राप्त सर राजा, सुजम अभिद्रावा पहले वो जो ज्ञान श्रुति राजा है शोक को प्राप्त हुआ, ये टीकाकार ने अर्थ किया। सुजावा कत्रिया स्वयं अभिदुद्रवे प्राप्त अथवा सुजावा कत्रिया, सुज जो है कत्ता, सुज का माध्यम शोक आने के कारण स्वयं दौड़ पड़े, तो वो दौड़ आने का कारण हो गया ये सुज। सुजावा करण भूतया रैक्म गतवान इत्यर्थ, तीसरा अर्थ करण में कर दिया, अथवा शोक से रैक्म के पास चले गए, ये तीन अर्थ। एवं तावद तदाद्रवणादिति तत्शब्देन शुक ज्ञान श्रुति रैक्को वा गृह्यते, तो उसके पास चला गया इस अर्थ से। तत्शब्द से क्या लेना, तदाद्रवणा, तदाद्रवण का अर्थ तत्शब्द है वहां, उसका क्या अर्थ करना चाहिए, आप तो शुभ ही ले लो, शुभ से शोक से चला गया दौड़ गया ऐसा, और नहीं तो ज्ञान श्रुति चला गया, तद आद्रवण ज्ञान श्रुति चला गया, वो समाज में राज के स्थान पे तद आदेश हो गया। उक्त व्युत्पत्तिया शूद्र शब्द से अधिकृत अर्थ से पूर्व उत्तम न्याय सूर्य। अब अंतिम में कहते हैं ये व्युत्पत्ति करके शूद्र शब्द का अधिकृतत्व अर्थ किया जा सकता है, माने ये जो राजा है ज्ञान श्रुति पौत्रायण जो राजा है, वो राजा इस स्थिति में भावापन्न होकर के गया, अब उस स्थिति को रैक्को ने जान लिया, उसके मन को जान लिया,
कि ये ऐसा जिज्ञासा से हमारे पास नहीं आया है, श्रद्धा से नहीं आया है, ये हमारे बारे में स्तुति सुन करके अपने अंदर शोक हो गया, उस शोक से तप्त होकर के संतप्त होकर के यहाँ आया हुआ है, ऐसा उन्होंने जान लिया। जानने के बाद ये सब हम सब आख्या आत्मनो अनादरम श्रुत्वा ज्ञान श्रुते सुगुत्पन्ना इत्येतद् एव कथम गम्यते। ये आपको कैसे मला मालूम हुआ कि हम सब वाक्य से अपने अनादर को सुन करके ज्ञान श्रुति के मन में शोक उत्पन्न हो गया। ये आप कह रहे हैं ये दो हंसों ने बात किया, पीछे वाले हंस ने पहले ज्ञान श्रुति की स्तुति करते हुए आगे वाले हंस को कुछ कहा, तो आगे वाले हंस ने उसको नहीं माना, वो ज्ञान श्रुति को अनादर करते हुए राय को की स्तुति की, ये संवाद है वहाँ। तो ये जो हमसा वाक्य है इससे आत्मा मैंने ज्ञान श्रुति अपने अनादर को जाना है, अनादर उनको आ गया, ऐसे आपको कैसे मालूम पड़ा, शोक उत्पन्न हो गया। तो बोलते ये ना तो शूद्र शब्द है ना सूचते, जो वो इसलिए मालूम पड़ा कि इसलिए वो राय को ने उस राजा को इस शब्द से प्रयोग किया, ऐसा दृश्य दे चाहिएगा। ये हम अपने आप नहीं कर रहे, हमारी कपोल कब्जेदार नहीं है ये। फिर क्या है ये कथा में भी ऐसे मिलता है, आप कोई सामान्य रूप से कथा को पढ़कर देखिए आपको मालूम हो जाएगा वो राजा क्यों चला गया था, कोई ऐसे नहीं चला गया था, वो भाव आ गया तभी परितप्त हो गया, वो परेशान होकर के चला गया। शूद्र शब्दस्य यौगिकत्वे हेत्वंतरमाह, अब आगे जो जो हेतु देना चाह रहे हैं ये शूद्र शब्द को यौगिक अर्थ में सिद्ध करने के लिए कारण क्या क्या है बोलना चाहते, तो रूढ़ी अर्थ लेने पर ये स्थिति है, यौगिक अर्थ लेने पर दूसरी स्थिति, अब सिद्धांत यौगिक अर्थ लेकर के चलना चाहते हैं और यौगिक अर्थ के अनुसार सूत्रों का अर्थ भी भाषिका करेंगे, नहीं तो ये सूत्र नहीं लगेगा आगे का सूत्र है। क्षत्रियत्व गदेश उत्तर चैत्र रथेन लिंगात्, क्षत्रियत्व गदेश उत्तर चैत्र रथेन लिंगात। अब ये जो ज्ञान श्रुति पौत्रायण राजा है क्षत्रिय है, द्वितीय वर्ण का है, ये किस प्रकार सिद्ध होगा, इसके लिए और भी हमको लक्षण शास्त्र मिलता है। क्षत्रियत्व गदेश, क्षत्रियत्व गदि इसकी प्राप्त होती है, मैंने ये शब्द का अर्थ क्षत्रियत्व में चला जाए, जो उत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगा, उत्तरत्र मैंने आगे के वाक्य में चैत्र रथ राजा के साथ इस प्रकरण का संबंध दिख रहा है, आगे वाक्य में शौनकम जगावेयम अभिप्रदारिणम च काक्षसेनिम परिविश्यमाणो ब्रह्मचारी विभिक्षे, ऐसे वाक्य आएंगे, इसी की स्थिति है, संवर्ग विद्या के वाक्य बताने के बाद की बात है। इसीलिए उत्तरत्र उत्तरत्र मन वाक्य चैत्र रथेन, चैत्र रथ जो प्रसिद्ध है क्षत्रिय, उसके साथ संबंध का, उसका कुल का गोत्र का संबंध दिखता। अब ये कथा दोनों को मिला करके एक प्रकरण मानने पर एक प्रकरण में इस प्रकार दो बातें नहीं आ सकती है, इसीलिए इनका भी वैसा ही लेना पड़ेगा। अब इसको भी वही प्राप्त हो गया उसको जो प्राप्त हुआ, इस प्रकार वो ब्रह्मचारी को जो प्राप्त है वही इसको प्राप्त है, इस प्रकार से कुछ लिंग प्रमाण यहाँ दिखाए। भाष्य देखिए, इदश्च न जाति शूद्रो ज्ञान श्रुति, इस कारण से भी जाति शूद्र ज्ञान श्रुति नहीं, जन्मना शूद्र नहीं, जाति शूद्र का मतलब जन्मना ही शूद्र ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे हमने पहले दूसरे दिन में जो विचार किया था, जन्म को मानने में दो पक्ष, यानी जाति वर्ण को मानने में दो पक्ष चलता है आजकल चलता है, एक तो कहते हैं कि गुणों से मानना चाहिए, गुणों से जाति मान लिया जाए ऐसा कहते, दूसरा कहते हैं जन्म से मानना है, दो पक्ष है, हमने उसका विस्तार से आपको समझाया दोनों का कारण। अभी ये देखिए, यहाँ आप गुणों को लेकर के जाति मानेंगे तो ये सारी चर्चाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं, ये विवाद ये तो
अधिकरण आया, ये अधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं, और पूर्व मीमांसा में जितने अधिकरण ये अधिकार निर्णय के लिए दिया उन अधिकरणों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुणों को लेकर के कोई विवाद तो है नहीं, गुण जो होगा उसको करा दिया जाए, वहां दूसरे को लाने का मतलब ही क्या होता है। और गीता में भगवान ने जहां जहां उदाहरण दिया उसका भी कोई तात्पर्य नहीं का, सारे धर्मशास्त्र का भी कोई आवश्यकता नहीं, गुण होगा तो अपने आप जाएगा, उसको क्या लगाने की आवश्यकता है, और गुण आप ढूंढेंगे कैसे वो बात तो अलग है, लेकिन अभी मान करके चलेंगे, इसीलिए ये सारे व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए गुणवाद से नहीं लिया गया शास्त्र, तो कोई भी कहता है उनको शास्त्र का आगे पीछे का ज्ञान नहीं है, धर्म शास्त्र का ज्ञान के बिना आप इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकते। इसीलिए ग्रंथों को वेदांत ग्रंथ हो, हमारे गुरु लोग कहा करते थे, आचार्य लोग कहा करते थे, वेदांत ग्रंथ हो, कोई भी ग्रंथ हो, पुराण हो, इतिहास हो, वेदांत ग्रंथ हो, कोई भी ग्रंथ हो, वे कहा करते थे कि उसको अध्ययन करने के लिए और अध्यापन करने के लिए, विशेष करके अध्यापन करने के लिए, आपको सारे धर्मशास्त्र का भी सामान्य ज्ञान चाहिए, इसको पढ़ने के लिए आपको दर्शन शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, ये आपको पता है स्पष्ट रूप से, हम करते भी है दर्शन शास्त्र का अध्ययन करके ही ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करते हैं, लेकिन कोई विषय पर आपको कुछ कहना है उसमें आपको प्रवचन आदि करना है या स्वयं भी पढ़ करके समझना है, तो कोई भी विषय को लेने के लिए आगे पीछे का धर्मशास्त्रों का भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए, यदि नहीं है तो आप ऐसी गलती करेंगे। आपको आजकल का ज्ञान प्राप्त है, वो विचार का ज्ञान आपको है, आजकल समाज में क्या कहता है, आप क्या स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, दुनिया में क्या पढ़ाई होती है, वो क्या है, ये क्या है, सारे दुनिया के सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं। बाकी धर्म शास्त्र बहुत सारे हैं, उनके सारे अध्ययन यदि नहीं भी कर सकते, केवल महाभारत, महाभारत जो व्यक्ति पढ़ेगा, एक बार भी यदि आपके जीवन में महाभारत आपने पढ़ लिया, आप समझ लो धर्म के विषय में, ज्ञान के विषय में, ये जो वाद विवाद के विषय में आपको कोई शंका नहीं रहे, क्योंकि वो सबका होता है, अब वो सब लोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष दुनिया में इतिहास है तो आप कर सकते हैं। तो जीवन में आप बाकी वेद अध्ययन इत्यादि का अधिकार होते हुए आपने नहीं किया, आपका समय बीत गया, जो कुछ करे कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में आप धार्मिक अपने को समझते हैं, अपने को हिंदू धर्म के अवलंबी समझते हैं, तो कम से कम एक बार महाभारत को पढ़ सबका समाधान आपको हो जाए, वो भी नहीं करते, बाकी तो पढ़ना चाहिए वो नहीं करते, ये कम से कम ये भी कर लिया तो आपको ऐसे शंका नहीं होगी, तो इसके आधार पर आप कैसे करेंगे, बाकी स्मृति स्मृति आदि है तो फिर इन सब की आवश्यकता ही नहीं, खाली बोल दिया जिसको ये गुण दिखाई दे रहे उनको इसमें लगा दो, उनको इसमें लगा दो, बोल दिया हो गया, तो विवाद का विषय नहीं है ना वो, अब गुण है या नहीं कभी विवाद तो होगा नहीं, क्योंकि गुण है तभी तो लगाने की बोल रहा, तो वो विवाद नहीं होगा। तो विवाद मतलब ये जो चर्चाएं हो रही है, शास्त्र विशेष करके अधिकार का निर्णय करा रहे हैं, तो उसका कुछ कारण है, वो कारण ये है कि ये जो देखिए शब्द का प्रयोग कर, यहाँ तो वो गुण शब्द का प्रयोग कर ही नहीं रहा, तो गुण का जब प्रयोग करेंगे वो अलग स्तर पर होगा, बाद में बताएंगे क्या गुण के लेकर के होता है और गुण कैसे आता है, कर्म कैसे है? और जो कर्म सिद्धांत को पूर्व प्रज्ञा आदि के द्वारा कर्म सिद्धांत को मानते हैं, मैंने पूर्व अधिकरण पूर्व जन्म आदि को मानते हैं, और पूर्व जन्म आदि को नहीं मानते हुए, कर्म सिद्धांत को नहीं मानते हुए हमारे हिंदू धर्म की कोई स्थिति नहीं, इन कर्मों में जो भी विचार विचार होता है धर्म के विषय में इसको लेकर के होता है, और उसको लेकर के बोलने वाले के लिए यहाँ गुणवाद मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुण तो वो एक में आता नहीं, अनेक से लेकर के आते हैं, आपका कोई भी गुण होगा तो अनेक से जन्मों से संबंधित होता है, तो भगवान ने स्वयं कहा वेदिदानी अनेकानी कवचा अर्जुन, तो मेरा तुम्हारा जो है बहुत जन्म ईद के तान्य हम वेद सर्वाणी वो सबको मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते, इसलिए तुमको ये भ्रम हो गया, तुम आगे पीछे जानते होते तो ऐसा भ्रम होने वाला नहीं था, मैं सबको मैं अपना भी जानता हूँ, इसका मतलब ये क्या भगवान ऐसे कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे,
ये हमारे मूलभूत चीज है। इसीलिए यहाँ शब्द का प्रयोग में तात्पर्य है, ये इसी को लेकर के चर्चा में है, तो वो गुणवाद को लेकर के कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं, ये समझना चाहिए। और गुण की क्या स्थिति है, भाष्यकार ने दोनों जगह स्पष्ट रूप से बता दिया, जैसे जहाँ भगवान ने गुण शब्द का प्रयोग किया वो गुण का तात्पर्य क्या है भाष्यकार ने बता दिया। तो जो तीन गुण है, तीन गुण के लेकर के पूर्व कृत कर्मों के कारण हो जाता है, और यहाँ भी ये कहेंगे अंतिम में पूर्व कृत कर्मों को मान करके कहेंगे, भाष्यकार के मन में बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। इसलिए इतस्त हेतु हो ये हेतु से भी जादि सूत्रो न ज्ञान, वो ज्ञान सूत्र जादि सूत्र नहीं है ऐसा मान लिया। कारण क्या है आगे बताए।